चाहिए, 2 कप कॉर्न, 1 कप हरी मेथी बारीक कटी हुई, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, सौंफ, बेसन, कॉर्नफ्लावर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, नमक और तेल। तो अब हम कॉर्न पकौड़ा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कॉर्न को बॉईल कर लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पतीली लेंगे, पानी डालेंगे, कॉर्न डालेंगे, कॉर्न को 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे कॉर्न बॉईल हो चुके हैं। अब हम गैस बंद करेंगे और कॉर्न का पानी निकाल लेंगे। कॉर्न का सारा पानी हमने निकाल लिया है, अब हम कॉर्न को थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमारे कॉर्न ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे जार में डालेंगे। इसे दरदरा पीस लेंगे। कॉर्न को हमने दरदरा पीस लिया है, अब हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे। पैन लेंगे, तेल डालेंगे, अब जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है बाउल लेंगे। अब हम इसमें पीसे हुए कॉर्न डालेंगे। मेथी डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे, आधी छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 4 चम्मच बेसन डालेंगे, 4 छोटे बॉल तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे बॉल तैयार कर लेंगे। सारे बॉल हमने तैयार कर लिए हैं, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और एक एक करके बॉल को तेल में डालेंगे। पैन को ओवरक्राउड नहीं करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारे कॉर्न पकौड़े। आप इसे किसी भी ओकेजन में बना के सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।